नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रानिल विक्रमसिंघे ने भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि भारत श्रीलंका की सुरक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े रहें, और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। इसके साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि मैंने भारत के लोगों के लिए विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति में उनके नेतृत्व में भारत द्वारा की जा रही शानदार प्रगति के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। हमारा मानना है कि भारत की वृद्धि पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी। लोकसभा में आज मणिपुर हिंसा पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है, और स्थिति को समझते हुए खुद पीएम ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पीएम ने कहा कि घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इसे संसद में दोहराता हूं कि हम मणिपुर पर सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो अनावश्यक रूप से यहां ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि मणिपुर पर चर्चा हो ही ना सके। मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं कि यह विपक्ष मणिपुर पर उतना गंभीर नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। फिलहाल हंगामे के कारण सदन 4.5 मिनट तक ही चल सका। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 24 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि यह बैठक ऐसे देश में हो रही है जिसके पास प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के दौरान भी बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी नौकरियां निकालने का अनुभव है। पीएम मोदी ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस युग में प्रौद्योगिकी रोजगार का मुख्य चालक बन गया है और आगे भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने कार्यबल को उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग में कुशल बनाने की आवश्यकता है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र है। पीएम ने कहा कि भारत में हमारा स्किल इंडिया मिशन इस वास्तविकता से जुड़ने का एक अभियान है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई की। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मानहानि मामले में गुजरात राज्य को भी नोटिस भेजा है। पूर्णेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 21वीं सदी के लिए एक व्यापक और गहन द्विपक्षीय ड्रग नीति ढांचे की दिशा में काम करने पर सहमत हो गए हैं। इस बात की जानकारी बाइडेन प्रशासन ने दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत पूरी होने के बाद दी है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने किया। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार इस ढांचे के तहत दोनों देश सिंथेटिक दवाओं, उनके उपयोग सहित अवैध दवाओं के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को बाधित करने के लिए सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले को सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।
बता दें कि याचिका में ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि जमीन से विवाद से जुड़े सारे मुकदमे जिला न्यायालय मथुरा से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। यूपी में जल्द ही रामनगरी अयोध्या के धार्मिक पर्यटन स्थलों के कायाकल्प की तैयारी हो रही है। यहाँ के 37 ऐसे स्थलों को विकसित करने और पर्यटन सुविधा में बढ़ोतरी के लिए 34.55 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अयोध्या व उसके आसपास विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक कुंडों, मठ मंदिरों, आश्रमों एवं पर्यटन स्थलों का विकास एवं निर्माण तेज है। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने जिले के लिए धन की पहली किस्त जारी कर दी है। वहीं जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इसके जरिए बिल्डिंग एवं आर्ट संरक्षण कार्य, पेंटिंग, लाइटिंग, अरेस्ट्रो, फसाड, ल्यूमिनेशन, सीसीटीवी आदि जैसे कार्य कराए जाएंगे। देश में बिजली व्यवस्था दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 14 नई बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम अस्तित्व में आई हैं। खास बात यह है कि बिजली भले ही समवर्ती सूची में है लेकिन अधिकांश राज्यों की बिजली कंपनियां वितरण के कारोबार में संलग्न है। बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि वर्तमान में 180 कंपनियां बिजली उत्पादन के काम में लगी हुई हैं। साथ ही आर के सिंह ने कहा कि देश में बिजली वितरण उपयोगिता का औसत कुल तकनीक व वाणिज्यिक नुकसान वित्त वर्ष 2020-21 में 22.32% से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 16.44% हो गया है। NIA ने आतंकी संगठन IS से जुड़े आतंक के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। दरअसल NIA ने अलीगढ़ से एक आतंकी और दूसरे आतंकी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। NIA के वरिष्ठ अधिकारी ने दोनों आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि ये आतंकी देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। साथ ही बताया कि तलाशी में मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य दस्तावेजों की जांच में आतंकी गतिविधियों में उसके शामिल होने के अहम सबूत मिले हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका के बाद अब जापान भारत का बड़ा सहयोगी बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सहभागिता के लिए दोनों ही देशों की सरकार में मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी MOC किया है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस MOC के तहत जापान भारत को चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इससे जुड़े उपकरणों का निर्माण व संबंधित रिसर्च देने जैसे कई कामों में सहयोग देगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है और इसके लिए पूरी सप्लाई चेन देश में ही विकसित होगी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को अब तक बल्ले से काफी खास बना लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिनिदाद टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर कोहली 87 रन बनाकर नाबाद थे। अपनी इस पारी के साथ अब वह वर्ल्ड क्रिकेट में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में कोहली भारत की तरफ से 2000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं।